re muzaffir re chal re ture baake re chal re thak ja re musafir thak gaya re baake bas kar yaar ye hai badi pyaas lagi hai baake aas pas kahin pani ka jugaad dikh raha hai kya re abhi to nahi diru अरे थोड़ा आगे चलते हैं शायद कुछ मिल जावे। यो क्या है? भूख और प्यास से परेशान समझो बन गया काम आम ही आम गुठलियों के दाम। सबसे बढ़िया मेरी पसंद यानी सबकी पसंद जी हाँ आम ही आम गुठलियों के दाम। देखो तो जानो। अरे धीरू सुन प्यास बुझाने का इंतजाम हो गया। अरे चल जल्दी चल। जी हाँ जैसे तैसे बढ़ते चलते भूखे प्यासे धीरू और बांके पहुँचे आम ही आम गुठलियों के दाम। और दुकान के मालिक चीकू रसीला के तो क्या कहने राका कुमारा इनके चाचा काकू ने फायदा उठा रहे हैं भतीजे जी। वैसे अब इन साहब का बुरा वक्त शुरू होने ही वाला है। अरे कोई है बाकी ये सारे आम देखकर मुंह में पानी आ रहा है बाकी। अरे कोई है क्या? क्या बढ़िया चॉइस है इस टोकरी का यह सबसे मीठा आम है। वैसे तो सारे ही मीठे हैं लेकिन ये वाह साहब वाह। अरे मैं तो यूं ही उठा रहा था। कोई बात नहीं ऐसा होता है कभी कभी। मैं चीकू हूँ इस दुकान का मालिक। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें आम खरीदने हैं। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अरे हम वो हैं कि कोई तरबूज खरीदने आए तो उसे भी आम बेच देते हैं। नहीं हमको तो आम ही खरीदने हैं। कितने के हैं? अरे उसकी चिंता क्यों करते हैं? अरे साहब गुठलियों के दाम हैं। आप तो पसंद कीजिए दशहरी लेंगे हाफूस लेंगे या फिर लंगड़ा शायद तोता परी पसंद हो। कौन सा सबसे अच्छा है? हमारे लिए तो सभी बढ़िया हैं। आप एक काम कीजिए सारे ही ले लीजिए। हाँ बाकी ये अच्छा आइडिया है ना? अरे बढ़िया है। अरे आप मुझे आम चुनने दो ना प्लीज। अरे बताइए कितने पैसे हुए? बहुत अच्छी चॉइस है आपकी वाह। कितने पैसे हुए? सब्र कीजिए बताता हूँ। 350 और इसे मिलाकर सिर्फ 500। वैसे आपकी चॉइस 500 रुपए। अरे आधे दर्जन आम के 100 लूट मचा रखी है। अरे आपने तो? अरे साहब लूट तो आप रहे हैं। इतने सस्ते आम आपको और कहाँ मिलेंगे? या इतनी महंगी गुठलियाँ? अरे जाओ अब मैं नहीं खरीदना ये आम आम। अरे चल दीरू। बाके इसका क्या करे बाके? अरे तू बेना है यो आम कितने का है? सिर्फ 150। अरे 150? अरे क्या दुकान खरीद रहे हैं क्या? अरे ठीक लगा। ए, ए, लगता है अंदर लड़ाई हो रही है। अंदर लड़ाई हो रही है? पैसे नहीं है तो क्यों आ गए आम खरीदने? सफेद पोस लुटे रहे हो तुम गुठलियों के दाम। अरे बकवास। अब और कुछ बोला तो देख लेना। अरे अड्डे क्या देख लेना। अरे तेरी। अरे रे रे, क्या हो गया? आप लोग लड़िए मत। हाँ बाके चलो यहाँ से मुझे नहीं खाना आम बाम। अरे बकड़म हाकड़म हमारे रहते सलूशन ना निकले ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ सलूशन। मुझे आम नहीं बेचने। अरे आम मैं भी नहीं खरीदने। बात खत्म। आप लोग जा सकते हैं बस जो आम खाया है उसके 150 रुपए देकर। अरे आप लोग लड़िए मत आपस में ही फैसला कर लीजिए। हाँ हाँ कर लीजिए। आप लोग यूं ही बात बढ़ा रहे हैं। चलिए मैं ही कुछ पैसे कम कर देता हूँ। आप 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए? अरे ये पकड़ 5 रुपए। इस आम की कीमत इतनी है। मजाक कर रहे हैं आप? बाप का राज है क्या?
अरे चीकू जी, आप मेरी बात सुनिए। तो ये तय रहा, तय रहा। पाके और धीरू 5 रुपए देकर आम ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन चीकू जी जीते तो बाके धीरू पूरे 100 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे। और धीरू जीता तो बात खत्म हो जाएगी। मंजूर है। ठीक है, हमें भी मंजूर है। अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या हो रहा है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। ब्रेकिंग न्यूज। और तुम तो जानती ही हो कि अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। और अब तो मुझे सिर्फ परसों की रेस का इंतजार है ताकि मैं उन दोनों को मजा चखा सकूं। बहुत अच्छे चीकू, मुझे मेरा मतलब है हम सबको पूरा विश्वास है कि रेस आप ही जीतोगे। वैसे बाकी का मानना है कि रेस धीरू ही जीतेगा। ऐसे कैसे जीत जाएगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। खाली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है रे। थैंक्स बाके। फिर तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? इस बारे में? रेस के बारे में। अच्छा वो आप बाके से ही पूछिए, उससे इंटरव्यू में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो आप ही बता दीजिए कौन जीतेगा। मैं पानी से पहले बांध नहीं बनाता, कौन जीतेगा ये तो रेस के बाद ही पता चलेगा। बाकी कुछ भी कहे, चीकू इज माय फेवरेट। मेरा मतलब है हम सभी का फेवरेट है। जाने से पहले मैं सबको बता दूं कि परसों की रेस का लाइव टेलीकास्ट देखना ना भूले, सिर्फ जंगल टीवी पर। तो दिल थाम कर बैठिए, गुड बाय। और पूरे जोर शोर से रेस की तैयारी शुरू होगी। एक तरफ रघु रेस के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ अकड़म और बकड़म मैच फिक्सिंग करके बहुत सारा पैसा कमाने की फिराक। मैं तो जीतूंगा। ये कछुआ रहेगा मुझे, एक बार फिर सोच लो बांके। अरे हाँ हाँ सोच लिया, तुम अपनी चिंता करो। अरे केकड़े चल, देख लूंगा तुझे और तेरे उस धीरू को। अकड़म, अगर चीकू जीत गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम बर्बाद हो जाएंगे तो चलो फिर धीरू को जितवाने का इंतजाम करें। हाँ चलो। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि मैं ही जीतूंगा? अरे जरा भी उम्मीद नहीं, ये चीकू तुम्हें हरा सकता है। थैंक यू बाके। अरे कुछ भी हो धीरू, तुम बस चलते जाना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। चीर रही है, ये कोई टाइम है रास्ता क्रॉस करने का? एक तो सरपट भागता है, ऊपर से हमसे टकराता है, पुलिस वालों से टकराता है। तो रेस चल रही है इसलिए भाग रहा हूँ। चुप, दादा बोले तो थाने तक रेस लगाते दिखोगे। परमिट का है रेस का? मिस्टर सरपटे, रेस का परमिट वो कहाँ मिलता है? तो चलो थाने, वहीं बनवा देंगे परमिट। अरे छोड़ो ना हेड साहब, कौन लिखा पढ़ी करेगा, चालान कर दो आप तो। अगली बार परमिट ले लेना, समझे? जी हाँ जी हाँ, इस बार माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। हमें रिश्वत दे रहा है क्या ये? नहीं नहीं हेड साहब, रस्ते में छूट गया है, भाग जाए यहाँ से, फिर ऐसी गलती मत करना। अब तुम दोनों को क्या चाहिए? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ आपकी मदद करने आए। जल्दी कीजिए नहीं तो आप रेस हार जाएंगे। अरे हारे मेरे दुश्मन, वो कछुआ क्या हराएगा मुझे। हाँ
वैसे है तो वो बहुत पीछे, बहुत पीछे। अच्छा मजा चखाया आपने। वो तो रेस के बहाने बच गए, नहीं तो जेल भिजवा देता उन्हें। वैसे सुनो, वो कछुआ है तो बहुत पीछे, सोच रहा हूँ थोड़ी देर सुस्ता लूं। आह, क्या आइडिया है। लेकिन अगर रेस हार गए तो? 7 जन्म में भी नहीं हरा सकता वो धीरू मुझे, समझे? अबे अकड़म, तू चीकू चैंपियन से बहस क्यों कर रहा है? इनके सुस्ताने का इंतजाम करो, जल्दी करो। ओ हाँ, सॉरी, मैं यूं गया और यूं आया। अरे हाँ, कोई ठंडे वंडे का इंतजाम करो, बहुत प्यास लगी है। सब ठीक हो जाएगा, आप इस तरफ आइए। कॉन्फिडेंस के कारण चीकू मारा गया और रेस में पिछड़ गया। बाके धीरू शर्त जीत गया और अकड़म बकड़म रेस फिक्सिंग करके माला माल होकर गायब हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे ना कटवा दी खानदान की। हे भगवान, ये दिन दिखाने से तो अच्छा होता, तो मुझे अंधा कर देता। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे चाचा घर पर नहीं थे, तो उनकी तो जान ही निकल जाती। चाची जी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। रेस हार गए, ऊपर से बहस करते हो। मगर बस यही करना तुम? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है हमें। खड़े घूर क्या रहे हो मुझे? कुछ करो। क्या करूं वो? क्या करूं? साहबजादे पूछते हैं क्या करूं? मैं नहीं जानती। उड़ो, भागो, फिर से रेस लगाओ, कुछ भी करो। अरे खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल है तुम्हें? अब जाओ और रेस जीते बिना सूरत मत दिखाना मुझे, समझे? सही बात तो ये है गिलगिली जी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वरना मैं हार जाऊं वो भी एक कछुए से, ना मुमकिन। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी, और कछुए का नाम भी धीरू है। एनीवे, अब क्या इरादा है आपका? मैं इस प्रोग्राम के जरिए धीरू को रीमैच का चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर वह दोनों ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो देख रहे होंगे, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है ये। चीटिंग करके तो कोई भी जीत लेता है, हिम्मत है तो फिर जीत के दिखाओ। लेकिन बाकी हमने कहाँ चीटिंग की है? बकवास कर रहा है ये वो चीकू। अब क्या फिर से रेस लगानी पड़ेगी? अरे क्यों, फिर से क्यों रेस लगाएंगे? अरे और कोई काम नहीं है क्या हमें? बाकी जी, आपने चीकू का चैलेंज मंजूर कर लिया है, हमें बताइए अगली रेस कब होगी? आज से 3 दिन बाद, इस बार भी धीरू ही जीतेगा। Well, let's see. धीरू, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम नर्वस हो रेस के बारे में? मैं तो हमेशा ही नर्वस रहता हूँ। वैसे बाकी कह रहा था इस बार मैं ही जीतूंगा। माफ करना, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू। जाने से पहले बता दूं कि अगली रेस भी हम लाइव दिखा रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। मैं सुन धीरू, पिछली बार की तरह बस नाक की सीध में चलते जाना जी। चिंता मत करो, रेस तुम ही जीतोगे।
थैंक यू बाके, समझ गया। अरे ये क्या जीतेगा, इस बार अकड़म बकड़म नहीं है इसे जिताने के लिए। किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, रेस की बात पर ध्यान मत दो दीरू, रेस तुम ही जीतोगे। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू। चीटिंग करेंगे? अरे तुमने रूट में अब देखा तो था, अब तूने बोले कुछ? अरे निकल गई साड़ी हेकड़ी। जी हाँ, मिस्टर रसीला को अपनी जीत पर इतना विश्वास था कि पहली रेस में सबक मिलने के बावजूद उसने कुछ नहीं सीखा और मैं ध्यान से नहीं देखा। पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। दीरू, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू बाकी, थैंक यू। आओ दीरू, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि ये चीकू फिर से रीमैच के लिए निकल आ जाए। अरे निकल ले पतली गली से। वैसे बाकी, ये चीकू ने पानी वाले रास्ते का मैप मंजूर कैसे कर लिया? अरे देख दीरू, पहली रेस वो अकड़म बकड़म के कारण नहीं बल्कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आ रहा था, और मुझे पता था कि वो फिर वही गलती करेगा। मतलब? अरे मतलब साफ है, उसने दूसरी रेस का मैप देखा ही नहीं, बात साफ है। सिर्फ सरपट दौड़ते रहने से रेस नहीं जीती जाती, थोड़ा इसका भी इस्तेमाल जरूरी है। इसका बाकी? अरे इसका। अच्छा समझ गया बाकी, दिमाग का इस्तेमाल। तू भी दिरू। मैं भी बाकी।